उत्तराखंड के देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर एक हफ्ते का कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर देहरादून प्रशासन की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। इस कर्फ्यू के अंतर्गत देहरादून के नगर निगम क्षेत्र ऋषिकेश, देहरादून छावनी, गढ़ी कैंट और क्लेमेंट टाउन में लॉकडाउन रहेगा। दरअसल कोरोना लगातार बढ़ रहा है और इस लॉकडाउन की जो अवधि है 26 अप्रैल से 3 मई तक रहेगी। फल, सब्जी, डेयरी, बेकरी, राशन की दुकानें 4 बजे तक खुलेंगी। वहीं आवश्यक सेवाओं जैसे मेडिकल, पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति की दुकानें 24 घंटे खुलेंगी। आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों और सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी के आवागमन की छूट दी गई है। उत्तराखंड में लगातार कोरोना संक्रमितों की जो आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए जा रहे हैं। इसी को लेकर सरकार की अगर बात की जाए तो सरकार पूरी तरीके से यहाँ पर काम करती हुई भी नज़र आ रही है और जो पुलिसकर्मी हैं उत्तराखंड के, उनको सभी को जो है यहाँ पर DGP द्वारा निर्देशित भी किया गया है कि जिस तरीके से कोई भी अगर बिना मास्क के यहाँ पर घूमता हुआ नज़र आता है तो उसका जो चालान है वो किया जाए और सुनिश्चित जो कार्रवाई है वो भी उन पर की जाए। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो 5084 केस ऐसे हैं जो पूरे उत्तराखंड के निकल कर आए हैं। वहीं 1756 केस जो पूरे देहरादून की अगर बात की जाए तो उनका आंकड़ा ये यहाँ पर आया है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर है वो भी एक सरकार द्वारा जारी किया गया है, क्योंकि कई बार जो है शिकायतें मिल रही हैं लोगों की, जो मेडिकल है, मेडिकल पर ओवर रेटिंग के हिसाब से यहाँ पर दवाइयाँ दी जा रही हैं, उसमें जो रेट है उसमें बढ़ोतरी करने के बाद में दवाइयाँ यहाँ पर दी जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो है इस पर लगाम लगाने के लिए यहाँ पर कार्रवाई भी की जा रही है और पुलिस उसको लेकर पूरी तरीके से मुस्तैद भी है। देहरादून से भारत के लिए विनय सूद।